अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामईन, आप देख रहे हैं इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल। नौजवानों के ताल्लुक से एक अहम मसला आप हजरात सुन लें। अक्सर व बेशतर नौजवान शर्म की वजह से ये मसला पूछते नहीं हैं। कई लोगों ने ये मसला पूछा जो शादी शुदा लोग हैं कि दौरान हमल बीवी से मुलाकात यानी हम बिस्तरी सोहबत करना कैसा। जाहिर सी बात है, 4 महीने तक वो गोश्त का लोथड़ा ही होता है। 4 महीने के बाद आजाए जिस्मानी बनना शुरू होते हैं और 7 महीने तक एक बच्चे की शक्ल करीब बकरीब हो जाती है। इसको मद्देनजर रखते हुए उलमाए किराम, फुकहाए किराम ने फरमाया है कि शरई तौर पर हालत अमल में बीवी से मुलाकात करना ये बिल्कुल जायज है, इसके कोई नुकसानात नहीं। लेकिन अगर कोई माहिर डॉक्टर ये सलाह दे दे और ये बात बता दे कि अय्याम हमल में बीवी से मुलाकात करने से या तो बीवी को या तो आने वाले बच्चे को कोई नुकसान होने का अंदेशा है, तो अब इस हालत में मुलाकात ना करे, लेकिन शरी एतबार से कोई हराम नाजायज नहीं है, बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं, सोहबत की जा सकती है हालत हमल में। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ एक हदीस मंसूब की जाती है जो मुस्नद इमाम आजम में मौजूद है। उसमें उन्होंने फरमाया है कि हालत हमल में बीवी से मुलाकात करना जायज नहीं। औरत मुराद यहां पर बांधी है। अगर वो बीवी जिससे निकाह हुआ है उससे मुलाकात करना बिल्कुल जायज है, ये बांधी का हुक्म था, यहां बांधी का हुक्म नहीं है। तो इस बात को आप मद्देनजर रखें कि इस हालत में मुलाकात बिल्कुल की जा सकती है। उसकी वजह कई हुक्मा और अतिबा और डॉक्टर वगैरह ने ये बयान की है कि जिस जगह सोहबत की जाती है, जो मकाम होता है फर्ज, तो वही बच्चे की विलादत की जगह होती है, और अगर मुलाकात की जाए तो वो जगह की कुशादगी बढ़ जाती है और बच्चे की विलादत में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर इसी तरीके से कई महीने तक अगर उसे छोड़ दिया जाए, सोहबत ना की जाए, तो वो मकाम तंग हो जाता है और फिर ऑपरेशन वगैरह की भी बात आ जाती है। आज ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस पर ध्यान रखे, कोई नाजायज और हराम नहीं है, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से ये काम किया जा सकता है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मराहिल को बयान किया है। शौहर के जरिए से पानी का एक कतरा पहुंचता है, फिर वो खून का लोथड़ा बनता है, फिर गोश्त बनता है और जमा हुआ खून होता है, फिर उसके बाद 4 महीने के बाद बच्चे की शक्ल बनना शुरू होती है, आजा बनना शुरू होते हैं, और 7वें महीने तक तकरीबन बच्चा थोड़ा तैयार होता है, 8वें महीने में हरकत वगैरह होती है, कुछ के 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में, 11 महीने में ही विलादत हो जाती है। तो ये कुरान में पूरा एक प्रोसीजर बताया गया है, इसके हिसाब से आप हजरात मसले को समझ लें, इसको शेयर करें, लाइक करें। व्हाट्सएप नंबर कॉमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर मजीद मैसेज कर सकते हैं।